दोस्तों गर्मियों में बहुत आलस आता है, और अगर नहाते नहाते ही आपका एक ऑर्गेनिक फ्रूट फेशियल हो जाए, वो भी व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग और गोरा कर देने वाला, तो क्या बात है। मानेंगे जी सुपर कौर की बात? चलिए वीडियो देखिए फिर जरूर मानेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयसुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों गर्मियाँ आ चुकी हैं, और गर्मियों में लाइक मोस्टली लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि स्किन बहुत ज़्यादा ओवर ऑयली हो जाती है, चिपचिप होती है, और ऑयलीनेस की वजह से स्किन मतलब डल लगने लगती है, वो निखार नहीं दिखता, एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर आवर स्किन। मैं आज एक ऐसा DIY सोप लेकर आई हूँ दोस्तों। जी हाँ, ये ऑरेंज सोप है, एंड जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुल इट इज। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, और आप लोग जानते हैं कि मैं अपने DIYs में ऑरेंज पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर बहुत यूज करती हूँ। बिल्कुल मैंने फ्रेश ऑरेंजेस से बनाया है। ऑरेंज में विटामिन सी भरपूर होता है, तो इट्स वेरी 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 गुड फॉर द स्किन। लाइक अगर आपको एक्ने है या थोड़ी लाइटनिंग, जैसे जितनी भी लाइटनिंग क्रीम्स आप देखेंगे उसमें ऑरेंज और लेमन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ऑब्वियसली टाइटनिंग भी होता है, तो ब्राइटनिंग, इवन आप कोई फेशियल भी देखेंगे तो हम ऑरेंज को डायरेक्ट, जैसे ऑरेंज पील पाउडर कई लोगों को नहीं मिल पाता, तो डायरेक्ट हम ऑरेंज को अपनी स्किन पे कैसे पहुंचाएं, ये उसका बहुत बहुत अच्छा हल है। अभी बहुत सारी बातें होंगी, मैं इसका प्रॉपर दोस्तों डेमो, जी हाँ, आज वीडियो में डेमो बताऊंगी, दिखाऊंगी, मतलब सोप्स का भी डेमो दिखाऊंगी। बहुत आसान है, जरूर बनाइए। अभी ज्यादा बातें नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड द डेमो एंड द ग्लो एज वेल। ऑरेंजेस में ले रही हूँ, 2 से 3 फाड़ी ऑरेंज की लेनी है, अदरवाइज ऑरेंज पील मैं लूंगी, ऑरेंज के छिलके। इस तरह से धो लिया मैंने अच्छे से, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी में ला के पीसेंगे, क्योंकि हमें सोप में डालना है, तो थोड़ा सा पानी। आप, मैं एक साबुन, अभी 1 से 2 साबुन का बता रही हूँ। अब एक पियर सोप लिया है, नहीं तो मैं आपको जो सोप बेसिस आते हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पियर सोप या वो उस तरह से आपको जो भी सोप पसंद है, बट पियर्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें ग्लिसरिन और सारे एसेंशियल ऑयल्स काफ़ी होते हैं, वेरी नरिशिंग सोप। उसके बाद ये मेरे प्यूरे ऑरेंज तैयार हैं, और ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और आप जो सोप मैंने काटा है ना, उसको आप माइक्रोवेव में मेल्ट कर दीजिए 30 सेकेंड्स के लिए, नहीं तो डबल बॉयलर में भी रख सकते हैं। डायरेक्ट हीट सोप को मत दीजिएगा, जल जाएगा, जम जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। और जिनके पास फ्रेश ऑरेंजेस, जिनको फ्रेश संतरे नहीं मिलते, तो ऑरेंज पील पाउडर लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, आप ये भी मंगा सकते हैं। ये आप 1 से 2 चम्मच भर के डाल सकते हैं। अब क्योंकि मुझे था एक्सफोलिएशन और थोड़ा फैंसी, जस्ट लाइक जैसे बाजार से महंगे महंगे सोप्स मिलते हैं वैसे करना था, तो मैंने संतरे के छिलकों को अच्छे से धो के काट के वो पीसेस भी डाल दिए हैं। अभी देखना कितने फैंसी, आई थिंक सोप देख चुके हो ना वीडियो में। तो ये 2 मोल्ड्स हैं, ये डब्बी नॉर्मली चटनी वगैरह जिसमें आती है, एक ये सिलिकॉन का हार्ट मोल्ड है, आप गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है यार। आप एक बार यूज़ करोगे ना, और प्लीज़ इसमें एसेंशियल ऑयल, विटामिन ऑयल फलाना ये सब मत डालना। ऑलरेडी ग्लिसरिन सोप मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, और ये बहुत गोरा कर देगा, मतलब सच में रंग निखारेगा, टैन उतारेगा। ये सारी ही स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है। आप चाहे आप 2 सोप्स 15-20 दिन के लिए बना के रख सकते हैं, और मैं कहूँगी 1 से 2 सोप्स ही बनाएं, हर 10-15 दिन में बनाते रहें। और मैंने ये एक्सफोलिएशन के लिए डाला है, थोड़ा सा पानी लगाकर देखिए लादर कितनी अच्छी, बहुत अच्छे से फ्रॉथ आ रही है, झाग आ रही है, और देखना दोस्तों आपका रंग धीरे धीरे निखरता जाएगा एंड टैन भी हटता जाएगा। आप इसको नेक पे, पूरी बॉडी पे यूज़ कीजिए, फेस पे बिंदास यूज कीजिए। ये क्या हो गया यार मेरे को, मैं वॉइस ओवर में बहुत बेकार हूँ, बट डेफिनेटली मैं आपको कैमरे के इस पार फील नहीं करा सकती कि मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट और ग्लो भी आ रहा है। तो आप सोचो नहा कर आ रहे हो या फेशियल करा कर आ रहे हो, बहुत बढ़िया। दोस्तों बहुत सारे लाइक्स देना, एंड डेफिनेटली गिव अवेज 1 by 1 आते जा रहे हैं, तो नीचे कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए। एंड डेफिनेटली मैंने ऑरेंज लिपस्टिक लगाई इसलिए थी कि मैचिंग हो जाए ऑरेंज सोप और ऑरेंज लिपस्टिक, तो प्लीज फटाफट से ये सोप्स बनाइए, मुझे पिक्चर्स भेजिए अपनी बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी, इंस्टाग्राम पे भी और हर जगह पे। आई लव यू ऑल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, यार रोज का काम है आप लोगों को पता है। और नेल पेंट अच्छा लग रहा है ना, ये वाला वीडियो भी देखना ना। बाय, लव यू ऑल।